किसी को भी बोल बात करनी होगी तो मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगी, तो तब अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि फिर बीच में डिस्टरबेंस होगा अगर मैंने परमिशन दे दी। हम बस रेखा बब्बल जी और डॉक्टर मुकेश गर्ग जी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो जुड़ते हैं हमारे साथ, हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही जुड़ते हैं हमारे चीफ गेस्ट तो आ चुके हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स, आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश गर्ग, हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब बस हमें रेखा बब्बल जी का इंतजार है। जैसे ही वो जुड़ती हैं, मैं हाँ, रेखा बब्बल जी भी आ चुके हैं, बस वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज मैं डॉक्टर अनुभूति, आप सभी का जज्बा 2021 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आप लोग सभी आए, उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। इसी कड़ी में मैं आगे चलती हूँ, और मैं सर्वप्रथम स्वागत करती हूँ हमारी चीफ गेस्ट चित्रा देसाई जी का, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मुकेश गर्ग जी का, और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती रेखा बब्बल जी का। तो बहुत 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 स्वागत आप लोगों का कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और आपने अपना कीमती समय निकालकर आपने यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रथम, जैसे कि आपको पता है, आज काका पद्मश्री काका हाथरसी जी का जन्मदिन है, तो सर्वप्रथम हमारी ओर से, पूरे एनजीओ की ओर से, काका जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम पुष्पांजलि उनको यहाँ से ही अर्पित कर सकते हैं ऑनलाइन में, यही एक माध्यम है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन जुड़े भी नहीं है। तो काका जी का आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर रहा है, और ऐसे ही काका जी हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे साथ नहीं है कि हम उनसे बोल सकें कि दीप प्रज्वलन कीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, तो उसके लिए मैं बस आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी कि अगर आपसे आज्ञा मिल जाती है कि हाँ, हम दीप प्रज्वलन कर सकते हैं, तो आप मुझे थम्स अप दे दीजिए। और मैं फिर मिस्टर पंकज गुप्ता सर से, जो कि हमारे थिएटर के फैकल्टी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन का कार्य
पूर्ण करें। तो पंकज सर, बहुत 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 सारा धन्यवाद सर, बहुत बहुत सारा धन्यवाद चित्रा जी, रेखा बब्बल जी और डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, कि आपके आशीर्वाद से हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और सरस्वती जी का आशीर्वाद हम लेते हुए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने विघ्नहर्ता को याद करते हुए कि ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, कोई भी अड़चन कोई भी परेशानी इसमें ना आए। तो हमारे बच्चे कथक सीख रहे हैं, तो कथक के द्वारा वो गणपति जी को अपना से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे गणपति जी हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न कीजिएगा। तो प्रस्तुत है हमारे बच्चों के द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना। आशा है आपको गणेश वंदना पसंद आई होगी। गणपति बापा मोरिया। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं।
और सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले मैंने छोटा सा एक स्वागत किया था अपने चीफ गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर्स का, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि आप क्या क्या करते हैं, वो जाने बिना आगे बढ़ना हमें अधूरा लगेगा। तो सर्वप्रथम मैं कुहू को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती चित्रा देसाई जी के बारे में हमें बताएं और परिचय दिए, हमें हमें उनसे अवगत कराएं। तो कुहू भटनागर, नमस्ते। तो सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपको हमारे इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कर पा रही हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स व एलएलबी डिग्री पाई है, साथ ही आप नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की एडवाइजरी मेंबर भी रही हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की हिंदी एडवाइजरी कमेटी में मेंबर भी हैं। आपने सरसों से अमरदास, दरारों में उगी डूब और शुरू यात्रा जैसी कई किताबें भी लिखी हैं। आप 1980 यानी 1980 से सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं और साथ ही आपको सुभद्रा कुमारी चौहान अवार्ड व महाराष्ट्र स्टेट हिंदी साहित्य अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारा धन्यवाद कुहू और धन्यवाद चित्रा जी को दोबारा से। इसी के साथ हम अपने विशिष्ट अतिथि जन को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो स्वागत के लिए हमारे साथ उपलब्ध हमारे हैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुकेश गर्ग जी। तो मैं अब वसु से चाहूंगी कि वसु जी, वसु मुझे दिख गए हैं तो वसु को मैं, हाँ जी वसु, और हमारे साथ हमारी एक और प्यारी सी गेस्ट ऑफ ऑनर है, मैं उनको भी साथ में ऐड कर देती हूँ। ओवर टू वसु। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले श्रीमती रेखा बब्बल जी से स्टार्ट करते हैं। श्रीमती रेखा बब्बल जी एक लेखक हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अरविंद बब्बल प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं और साथ ही नेशनल टेलीविजन में एक जानी मानी हस्ती हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया है हिंदी के क्षेत्र में और पिछले कई वर्षों से आप टेलीविजन सीरियल्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आ रही हैं। आपने कई जाने माने सीरियल्स की स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं, जैसे रिश्तों में कट्टी बट्टी और महाकुंभ। और इसके अतिरिक्त आपने कई मशहूर टेलीविजन सीरियल्स के लिए डायलॉग भी लिखे हैं, जैसे दादी अम्मा मान जाओ ना, मितवा, अगले जन्म, दिल से दिया वचन, दो दिल बंधे एक डोरी से, और लिस्ट और भी बहुत लंबी है। और आपने कई सीरियल्स में एज एन एक्टर भी काम किया है, उसमें से कुछ हैं दर्द की दहरी, अपना अपना आसमान, बोल बसंतो, सावधान इंडिया। आशा करता हूँ आप सभी मैंने सभी लोगों ने ये सीरियल्स और ये शो जरूर देखे होंगे। और इसके अलावा आपको आपके कार्य के लिए अनेकों पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, प्रमुख है राजीव एक्सलेंस अवार्ड, अग्निशिखा गौरव रत्न, मैं हूं बेटी, हिंदी रत्न सम्मान। मैम, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे विशिष्ट अतिथि की ओर, जो कि हैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। आप हिंदी साहित्य और संगीत दोनों विषयों के जाने माने विशेषज्ञ हैं। आपने हिंदी विषय में आगरा विश्वविद्यालय से एमए और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमलिट और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद से रिटायर हैं। आपने मेरठ विश्वविद्यालय से संगीत वायलिन के क्षेत्र में एमए की डिग्री प्राप्त की है और विश्वविख्यात वायलिन वादिका पद्म भूषण
प्रोफेसर श्रीमती एन राजम के शिष्य रहे हैं। संगीत संकल्प नामक अखिल भारतीय संस्था की आपने 1989 में स्थापना की। संगीत नामक प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका के आप 2011 तक संपादक रहे और अब उसके परामर्शदाता हैं। अनेक टीवी सीरियल्स और फिल्मों में आपने संगीत निर्देशन भी किया है। 1980 और 1990 के दशकों में दीनमान और नवभारत टाइम्स में नियमित रूप से छपने वाली संगीत की अपनी गहरी समीक्षाओं से आपने देश भर में अपनी एक खास पहचान बनाई है। आपको आईसीसीआर भारत सरकार द्वारा हिंदी चेयरमैन की स्थापना के लिए आपको अजरबैजान भेजा गया। वहां आपने प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष के रूप में अजरबैजान यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज बाकू में 2010 से 2012 तक शिक्षण कार्य किया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आपको अनेकों सम्मानों से अलंकृत किया जाता रहा है। इसी के साथ सर, आपका तहे दिल से स्वागत है कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ पधारे और आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। एक बार जोरदार ताली से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वसु, धन्यवाद हमारे तीनों मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का और सारे अतिथियों का जो यहाँ पर आए अपना कीमती समय निकालकर। आपका आशीर्वाद हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा, हमें यही आशा है। अब थोड़ी सी बात इस संस्थान की, न्यू फ्यूजन, ये क्या है, क्यों है, कैसे शुरू हुआ, क्या वजह थी जिस वजह से ये शुरू हुआ और ये आज तक क्या क्या कर चुका है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। तो न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की शुरुआत 2013 में हुई जयपुर से। सिलसिला कुछ ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी और मेरी जो खुद थी उसके बेटे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो वो बहुत आकर रोती थी कि दीदी उसने पढ़ाई छोड़ दी है। उसको लगता था कि वही एक उसका सहारा है जिसकी वजह से वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगी जो शायद उसने अभी तक देखे थे, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो मैंने उसको समझाया कि अभी मैं थोड़ी सी स्वस्थ हो जाऊं, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि तेरा बेटा दोबारा से पढ़ पाए। तो वो बीज, वो जो डला मेरे मन में, वो वहां से डला। चाहती मैं पहले से भी थी कि कुछ करूं समाज के लिए, तो वो एक था। तो वहां से एक मिशन के साथ मैं निकली कि मुझे जब भी जाऊं इस दुनिया से, तब इस दुनिया में कोई भी बच्चा किसी भी वजह से पढ़ाई ना छोड़े। तो इस एक मुहिम को लेकर 2013 में न्यू फ्यूजन की हमने शुरुआत की। हम 5 पिलर्स पर मेनली फोकस करके न्यू फ्यूजन को आगे बढ़ा रहे हैं। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, करियर गाइडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट। हम ये चाहते हैं कि बच्चा जब भी हमारे संस्थान से जुड़े, वो जब यहाँ से निकले तो वो अपनी इतना सक्षम हो जाए कि वो अपनी पावर्टी साइकिल को ब्रेक करके एक अच्छी जिंदगी जी सके। शायद तभी मुझे लगता है कि हम दोबारा से एक बार कुछ सालों बाद सोने की चिड़िया दोबारा से अपने भारत को कह पाएंगे। हमारे 3 प्रोजेक्ट्स मेनली इस समय काम कर रहे हैं। एक है सपने हुए अपने, दूसरा है पैशन हब और तीसरा है संवाद। सपने हुए अपने में बच्चे हमारे पास आते हैं, हम परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के थ्रू उनको इन्वॉल्व करते हैं अपने कार्यक्रम में, क्योंकि पढ़ना बच्चों को, हम भी जब छोटे थे तो हमें भी उतना पसंद नहीं आता था। तो हम इस परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के थ्रू डांस, थिएटर, पेंटिंग, ताइक्वांडो, सब क्लासेस के बहाने हम बच्चों को इंटरेस्ट जगाते हैं पढ़ाई की तरफ और बच्चे इस तरह से सपने हुए अपने में आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की ओर। पैशन हब हमने प्रोजेक्ट शुरू करा जब हमारे को दस्तक दे दी कोविड ने। तो हमें एक माध्यम मिला कि हम कैसे और बच्चों के पास पहुंच सके, जो बच्चे उस समय घरों में बैठे थे जिनके पास कोई कुछ भी सीखने का साधन नहीं था। 11th 12th के बच्चे खासकर परेशान थे क्योंकि वो ट्यूशन नहीं जा सकते थे।
तो हमने बहुत सारे एनजीओ से संपर्क किया हमारी पूरी टीम ने, और आज मुझे खुशी होती है कि 2 साल के समय में हम पैशन हब के थ्रू 22 स्टेट्स में काम कर पा रहे हैं और करीब 3,000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ पैशन हब से जुड़े, और इस समय भी यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि पैशन हब से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये शुरुआत, एक हमें प्लेटफॉर्म मिला जब कोविड की दस्तक भारत में हुई और यहाँ पर सब जगह लॉकडाउन हो गया। उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, प्रोजेक्ट संवाद। हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते, हमें हिचक होती है, हम लेकिन बच्चों को तो जानना है क्योंकि वो उस उम्र से निकल रहे हैं, और क्योंकि हम एडोलेसेंस के साथ काम करते हैं, किशोर अवस्था के साथ काम करते हैं, तो उस समय बहुत सारे चेंजेस उनके बॉडी में आ रहे होते हैं, तो उन चेंजेस से वो जूझते हैं, और वो जूझने की वजह से वो उनके जानकारी लेने के लिए नेट की तरफ भागते हैं, और इन 2 सालों में तो क्योंकि उनके पास फोन आ ही गए हैं तो नेट की तरफ भागते ही हैं। तो हमने चाहा कि वो गलत जानकारी नेट से ना लेकर हम ऐसा कुछ प्रोग्राम चलाएं कि वो जानकारी हम, क्योंकि वो उनका हक है, हम उनके उनको वो जानकारी हम खुद दे पाए। तो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करा है जहाँ पर हम पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव, हमने सेक्सुअलिटी एजुकेशन को लेकर हमने एक करिकुलम बनाया है जिसकी वर्कशॉप्स हमने शुरू कर दी हैं, और बहुत अच्छा एक माहौल हमारा उससे क्रिएट हो चुका है। अब बच्चे बहुत खुलकर अब हमसे बात कर रहे हैं, जानना चाहते हैं चीजों के बारे में। अब बात करते हैं कि हमने आज तक इन 8 सालों में क्या किया। तो हमने करीब 10,000 से ज्यादा एडोलेसेंस के साथ आज तक काम किया है, उनको इम्पैक्ट किया है। हम जैसे मैंने आपको बताया, हम 22 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक नेपाल भी हमारे साथ जुड़ गया है। हम अभी तक 300 से ज्यादा बच्चों जो स्कूल ड्रॉप आउट थे उनको दोबारा से एजुकेशन में ला चुके हैं, और हमारे जो है करीब 100 से अधिक बच्चे आज तक 10th कर चुके हैं, और करीब 57 से ज्यादा ही नंबर हैं, 2, 4, 5, 6 ये जिन्होंने 12th कर लिया है और अब वो कॉलेज में है, और करीब 100 से अधिक हमारा युवाओं के लिए भी कार्यक्रम है जहाँ पर बच्चे ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने के साथ साथ उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए। तो करीब 100 से अधिक एडोलेसेंस जो है, युवा यूथ जो है, वो हमारे से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ले चुकी है। हमने डिजिटल मार्केटिंग का शुरू किया है, डिजिटल मार्केटिंग बच्चे सीखकर हमने एक और फॉर प्रॉफिट अभी रजिस्टर किया है जहाँ पर हम एक डीपीओ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम हमने TNI रखा है। उसमें भी न्यू फ्यूजन है, द न्यू फ्यूजन इंडिया। तो हम चाहते हैं कि बच्चा जब हमारे पास आए तो हम जब बच्चे को यहाँ से निकाले तो बच्चा नौकरी करता हुआ यहाँ से एक्सपीरियंस लेके बाहर जाए, और जहाँ पर भी उसको फिर आगे नौकरी करनी है वो आगे नौकरी करे। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं काकू की, तो उस बात को करने से पहले एक बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है कि उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ यहाँ आकर। तो ये विश्वजीत हैं जो आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम विश्वजीत है। न्यू फ्यूजन में जुड़ने से पहले मैं 6th क्लास में था। थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। मैंने 8th में एडमिशन लिया था और 8th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे और मेरी उम्र भी ज़्यादा थी, तो मैं डायरेक्ट 10th में प्रमोट हो गया। 10th करने के बाद मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जैसे मेरे फादर चले गए, तो ऐसा लगा जैसे मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, लेकिन न्यू फ्यूजन ने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया, और मैंने रिसेंटली अपने 12th पास की और अभी कॉलेज में BBA कर रहा हूँ। न्यू फ्यूजन ने मेरे को कोर्स भी करवाए जैसे डिजिटल मार्केटिंग, और अभी मैं न्यू फ्यूजन की TNI जो कंपनी है उसमें जॉब कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, और इस सभी चीज़ों के लिए मैं न्यू फ्यूजन को धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं प्राउड करता हूँ कि मैं न्यू फ्यूजन का सदस्य हूँ। तो ये विश्वजीत थे जिन्होंने अपनी बात को आपसे रखा कि वो कैसे यहाँ आए और अब क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमारा ग्लिम्स ऑफ हमारा वर्क है, हम क्या करते हैं। बच्चे जो छोटे थे जो यहाँ सीख रहे थे, अब उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया है। दोनों बेटियाँ हैं, उन्होंने ताज में जाकर ट्रेनिंग ली थी, नाउ दे आर वर्किंग। बच्चे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ पूरा ध्यान रखते हैं। जब ऑफलाइन था तो बहुत ज़्यादा रख पा रहे थे, अभी ऑनलाइन में हम उतना नहीं रख पा रहे, लेकिन कोशिश रहती है कि हम रखें। तो ये बात थी न्यू फ्यूजन की।
अब क्योंकि जज्बा के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण नाम जुड़ा है पद्मश्री काका हाथरसी जी का, और जब तक उनका उनके बारे में सब लोग जानते हैं, वो वर्ल्ड फेमस व्यक्ति हैं, लेकिन तब भी कुछ उनके अनछुए पल ऐसे हैं जिनको अभी भी लोग जानते नहीं हैं, उनको खाली हास्य कवि के रूप में जानते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। तो उसके लिए अब मैं आमंत्रित करूंगी कुहू को कि कुहू काका जी के बारे में हमें एक बार बताएं। कुहू। धन्यवाद। तो 18 सितंबर 1906 को एक छोटे से बालक प्रभुलाल गर्ग का जन्म हुआ। उनके परिवार में उनके माता पिता और उनके बड़े भाई भजनलाल गर्ग जी थे, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनकी माँ ने अपने दोनों बेटों का लालन पालन करने के लिए बहुत संघर्ष किया, और कुछ समय बाद वे अपने भाई के यहाँ रहने लगीं। वहां उनके मामा के पुत्र एक चाट का ठेला लगाया करते थे, और साथ में वो छोटे से बालक एक डंडा लेकर चलते थे ताकि कोई जानवर या कोई पक्षी उस ठेले के आसपास ना रहे। और उसी समय उनका इंटरेस्ट अभिनय की ओर मुड़ गया, और तभी अभिनय करते करते उन्हें एक रोल मिला जिसमें उन्होंने एक काका का रोल किया। धीरे धीरे उनका ये रोल इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग उनको काका नाम से पुकारने लगे। तो अब प्रभुलाल गर्ग का नाम काका हो गया, और इसी तरह वो छोटे से बालक बड़े हुए। जब वो थोड़े और बड़े हुए, उन्होंने 6 रुपया महीने की नौकरी से अपना जीवन आरंभ किया। एक आरती की दुकान पर, जहां वो टटपट्टी यानी सामान की तराई का काम करने लगे, परंतु दुर्भाग्य से उनकी ये नौकरी भी चली गई। नौकरी ना होने के कारण वो हाथरस में गंगा की नहर किनारे बांसुरी बजाने लगे, और बांसुरी बजाते बजाते उन्होंने सीखा कि संगीत क्या है। उस समय संगीत की स्वर लिपियां सिखाने की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो उन्होंने खुद ही म्यूजिक मास्टर के नाम से एक किताब लिखी। फिर काका ने अपने भाई के साथ गर्ग इन कंपनी नाम से एक पब्लिकेशन शुरू किया, जिसका नाम बाद में संगीत कार्यालय हो गया। इसी पब्लिकेशन को अगले साल 90 वर्ष हो जाएंगे। उन्होंने जो पत्रिका स्थापित करी थी संगीत नाम से, वो आज भी नियमित रूप से हर महीने निकलती है। साथ ही वो अपनी संगीत की किताबें वसंत नाम से लिखने लगे, और आज भी कई विश्वविद्यालयों में इन्हीं किताबों को पढ़ाया जाता है। साथ ही काका एक चित्रकार भी थे, वो हास्य कवि भी हैं, उन्होंने मूवी में एक्टिंग भी करी है, वो लिखते भी थे। बट सबसे बड़ी बात है कि काका हाथरसी जी, यानी मेरे लिए काकू नानू, सबको बहुत प्यार करते थे। मैं सच में मिस करती हूँ कि काश मैं उनसे मिल पाती और उनसे मेरी बात हो पाती, क्योंकि मैंने मम्मा और नाना नानी जी से बहुत किस्से सुने हैं उनके बारे में। और ये भी सुना है कि कोई रूम में, जब भी कोई रूम में आता था तो वो उनका नाम जानते ही उस पर छंद बना देते थे। और साथ ही मम्मा को उड़न खटोला, यानी उनके द्वारा दिया गया निकनेम से पुकारते थे। और मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा रही है ये सुनकर कि वो मेरा नाम सुनते, वो कुहू सुनकर क्या छंद बनाते। तो ये सब किससे जानकर मुझे पता चलता है कि वो बच्चों को कितना प्यार करते थे। और साथ ही मुझे ये भी बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, संगीत हो, अच्छा करने पर वो बच्चों को जरूर पुरस्कृत किया करते थे। और इसी भावना के साथ न्यू फ्यूजन ने काका हाथरसी पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसके बारे में अब मैं डॉक्टर अनुभूति जी को बुलाऊंगी आप लोग को बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि काका जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने 10वीं का रिजल्ट मेरा उनके सामने आया था, 10th मैंने उनके सामने क्लियर की। तो जब जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, उन्होंने पूछा तेरे कितने नंबर आए, उसके बाद उन्होंने मुझे तुरंत पैसे दिए निकालकर इनाम दिया कि ले लल्ली ये रख। ऐसे ही मम्मी भी बताती हैं, दीदी भी बताती हैं, सारे मामा वगैरह सब लोग बताते हैं ये चीज़ की
काकू किस तरह से प्रोत्साहित करते थे। तो काकू के नाम से सबको पता है कि हास्य रत्न पुरस्कार मिलता आया है जो भी हास्य के कवि होते हैं। तो मुझे और जब मैं अपने एज के लोगों से या अपने बड़े एज के लोगों से पूछती हूँ काका का नाम, तो सब काका को जानते हैं। लेकिन जब मैं बच्चों से पूछूं या अपने छोटा, अब मैं भी 40 के उसमें हूँ, तो अपने से 30 वालों को पूछूं, 20 वालों को पूछूं, तो काकू वो बहुत लोग पहचान नहीं पाते। तो मुझे लगा कि नहीं, काकू का नाम धूमिल नहीं होना चाहिए। वो तो हम बच्चों को भी पुरस्कार देते थे, तो क्यों ना मैं उनके नाम से, क्यों ना हमारी संस्था उनके नाम से शिक्षा पुरस्कार का आरंभ करे कि जो भी मेधावी बच्चा होगा वो काका के नाम को उसको हम उस समय पुरस्कृत करेंगे, उस साल पुरस्कृत करेंगे। तो क्योंकि काका जो थे वो परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट में बहुत ज्यादा पारंगत थे, सभी ने ये बात देखी, कहूँ ने बताई कि कितनी सुंदर वो चित्रकला करते थे, कितनी सुंदर वो बांसुरी बजाते थे, संगीत का किस कदर उनको ज्ञान था, तो सारे क्षेत्रों में उनका वो था। तो हमने दो पुरस्कार शुरू किए, एक काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार जो कि न्यू फ्यूजन देता है, और दूसरा है काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार जो न्यू फ्यूजन के साथ नाजी क्रिएशन मिलकर देता है। और साथ में हमने एक और पुरस्कार शुरू किया, गोल्डन फीनिक्स अवार्ड, जो कि उस बच्चे को दिया जाता है जिसने पढ़ाई किसी भी कारणवश छोड़ दी थी और वो कुछ सालों तक पढ़ नहीं पाया, और दोबारा से उसमें जज्बा आया कि मैं पढ़ूं, और उसने पढ़ाई शुरू करी और वो अब आगे बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। तो पिछले 5 साल से ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, ये आप देखेंगे न्यूज क्लिप्स हैं, इतने बच्चों को हम लोग अभी तक पुरस्कृत कर चुके हैं। तो इसी के साथ बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे साथ आज उपस्थित हैं जिनको अवार्ड मिल रहा है, तो मैं अभी बुलवाऊंगी तो नहीं उनको, क्योंकि समय निकलता चला जाएगा, तो मैं बस एक उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी आप लोगों के साथ। तो 2020 पिछले साल क्योंकि कोविड का समय था, हम लोग पुरस्कृत कर नहीं पाए, बच्चों ने कहा कि नहीं ऑफलाइन होगा तब हमें दीजिएगा स्टेज पर, लेकिन इस साल भी वो संभव नहीं हुआ। लेकिन अगर शायद हम ऑफलाइन करते तो हमारे साथ पूरे देश से जो लोग जुड़े हैं इस समय वो नहीं जुड़ते, हमारे साथ जो इतने अच्छे अच्छे हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं, और हमारे को सौभाग्य मिल रहा है कि हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनको दिल्ली तक बुलाना, गुड़गांव तक बुलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो आपका आशीर्वाद उस साथ में बच्चों को मिल रहा है क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो पिछले साल 2020 का काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार मिला था सागर झा को, तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तो सागर झा को मोबाइल हमने दिया था। तो मैं प्रशस्ति पत्र सागर झा का पढ़ती हूँ। काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन के द्वारा 2020 का काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार सागर झा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। हम उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो बहुत 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 सारी शुभकामनाएं सागर को। मुझे मालूम है आप सब लोग म्यूट हैं और मैंने परमिशन नहीं दी हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आशीर्वाद जो बच्चों को दें वो चैट पर लिखकर जरूर दे सकते हैं और ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। उसी के साथ काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार जो कि मैजिक क्रिएशन देता है न्यू फ्यूजन के साथ, तो 2020 का जाता है शरीफा को। उसके लिए मैं गीतिका गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो प्रशस्ति पत्र पढ़ें। गीतिका गोयल जी। धन्यवाद अनुभूति, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इस पूरे आयोजन से जुड़कर, और काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार 2020 के लिए हम शरीफा खातून को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनका प्रशस्ति पत्र मैं पढ़ रही हूँ। काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार मैजिक क्रिएशंस और नियो फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन के द्वारा 2020 का शरीफा खातून का प्रेरणा पुरस्कार शरीफा खातून को शिक्षा के क्षेत्र एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई बेटा। धन्यवाद गीतिका जी। शरीफा की शादी हो चुकी है और उसके बाद भी वो बच्ची बहुत मेहनत से, अभी उसने 10th क्लियर किया है और 11th में है, और साथ ही साथ वो LLB की तैयारी कर रही है, और हम पूरा विश्वास है उस बच्ची का कि वो NLU में उसका नाम होगा अगले 2 साल बाद। तो बहुत 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 शुभकामनाएं शरीफा। अब जाता है न्यू फ्यूजन गोल्डन फिनिक्स अवार्ड।
न्यू फ्यूजन गोल्डन फिनिक्स अवार्ड जाता है गुलशन खातून को. न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन प्राउडली फेलिसिटेट गुलशन खातून विद द न्यू फ्यूजन गोल्डन फिनिक्स अवार्ड 2021 फॉर करेजियसली राइजिंग बैक फ्रॉम एशेस टू परस्यू हर ड्रीम. वी विश हर ऑल द बेस्ट. तो गुलशन खातून पारिवारिक परिस्थितियों के वजह से घर वो स्कूल नहीं जा पाई थी. वो एज ए डोमेस्टिक हेल्पर किसी के यहाँ काम करती थी और वो किसी के माध्यम से मेरे पास आई और उसने कहा कि माँ मुझे, सारे बच्चे मुझे माँ बोलते हैं, तो माँ मुझे टेंथ करना है और मुझे आगे पढ़ना है. और इस साल गुलशन खातून ने टेंथ कर लिया है और वो पूरी मेहनत से इलेवेंथ कर रही है और ताइक्वांडो सीख रहे हैं. और जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती है वो ताइक्वांडो हमारे यहाँ सिखाना भी शुरू करने वाली है. तो गुलशन खातून. अब आया 2021. तो 2021 से पहले हमारा ये था कि हम हमारा न्यू फ्यूजन में जो बहुत अच्छा बच्चा होगा हम उसको पुरस्कृत करेंगे. लेकिन क्योंकि 2020 में हम लोग ऑनलाइन पहुंच गए, पूरे देश में हम लोगों ने काम शुरू किया, तो हमने सोचा कि नहीं, हम पूरे देश के बच्चों को अपना बनाते हैं और एक मुहिम के साथ हम बच्चों से एंट्रीज मंगाते हैं और उसमें से चुनते हैं ऐसे बच्चे को जो कि वाकई में मेहनत करके पिछले 2 साल में संघर्ष करके उसने 12th क्रॉस किया है और इसके बाद वो आगे बहुत जुझारू रूप से पढ़ना चाहता है. उसके सपने हैं जो कि किसी वजह से आर्थिक परिस्थितियों की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और वो कंप्लीट करना चाहता है. तो उसके लिए हमने करीब हमारे पास 100 से अधिक एंट्रीज आई जिसमें जिन्होंने 12th कर लिया था ऑल ओवर इंडिया से, कई स्टेट से हमारे पास एंट्रीज आई. उसके बाद हमने स्क्रूटनाइज किया, उसके बाद हमने इंटरव्यूज लिए और इंटरव्यू करने के बाद हमारे सामने नाम आया रोहन वाधवा का. और इस साल हमने ये पुरस्कार, अभी तक हम 5100 ऐसे पुरस्कार देते थे और इस साल हमने ये पुरस्कार 11,000 का किया. भगवान और काका का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे, आप सभी बड़ों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे. तो हम इस पुरस्कार की राशि दुगनी करते चले जाएं, आगे बढ़ाते चले जाएं, हम यही प्रयासरत रहेंगे. तो मैं पढ़ती हूँ रोहन वाधवा का प्रशस्ति पत्र. काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन के द्वारा 2021 का काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार रोहन वाधवा बीकानेर राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है. हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं. रोहन वाधवा हमारे साथ जुड़े हैं, हम अभी उनको ढूंढकर स्पॉटलाइट नहीं कर पा रहे हैं. बहुत 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 सारी शुभकामनाएं रोहन, आप आगे बढ़े, आपको इंजीनियर बनना है, आप जरूर से इंजीनियर बने. आपने जैसे आज तक अपनी सारी विषम परिस्थितियों को पार करके आप आज तक 12th करे हैं, वैसे ही आप आगे भी पढ़ते रहेंगे और एक दिन हम इंजीनियर रोहन वाधवा से मिलेंगे, यही हमारी कामना है. इसी के साथ इस वर्ष का काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार 2021 है ये, तो ये जाता है प्रियंका को. तो थोड़ा सा मैं प्रियंका के बारे में बात कर लूं क्योंकि बहुत मेरी लाडली है. तो प्रियंका, मैं इमोशनल हो रही हूँ. दीदी आप पढ़ दीजिए फिर मैं बताती हूँ. प्रियंका बहुत प्यारी बच्ची है, उसको हम कई सालों से देख रहे हैं और मैं समझ सकती हूँ अनुभूति क्यों इमोशनल हो रही है, क्योंकि उसने उस बच्ची को छोटे से बड़ा होता देखा है. मैं प्रियंका, तुमको बहुत बहुत बधाई बेटा. मैं तुम्हारा प्रशस्ति पत्र पढ़ रही हूँ. काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार मैजिक क्रिएशंस और न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन के द्वारा 2021 का काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार दिया जा रहा है प्रियंका दिवाकर को उनके शिक्षा के क्षेत्र और सांस्कृतिक गतिविधियों में अच्छे प्रदर्शन के लिए. हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं. प्रियंका तुमको बहुत बहुत बधाई बेटा. प्रियंका आई थी मेरे पास, वो 3rd में थी और आज BA कथक कर रही है. और वो बच्ची ऐसी है कि मैं उसको जो बोलती हूँ कि प्रियंका इस क्लास को करना है, वो कहती है हाँ माँ करूंगी. तो इतना जज्बे से काम करती है, बहुत सारा प्यार प्रियंका. अब इस साल का ये फिनिक्स अवार्ड है, न्यू फ्यूजन गोल्डन फिनिक्स अवार्ड जाता है सुधीर राजपूत को. तो हम थोड़ा सा आगे चले गए. न्यू फ्यूजन गोल्डन फिनिक्स अवार्ड न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन प्राउडली फेलिसिटेट सुधीर राजपूत विद द
New Fusion Golden Phoenix Award 2021 for courageously rising back from the ashes to pursue his dream. We wish him all the best. तो सुधीर ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी जब वो 8th में थे और पिछले साल 10वीं का उसका रजिस्ट्रेशन करना था और उसने मुझे मेरे बर्थडे पर एक मैसेज किया कि हैप्पी बर्थडे मैम. तो मैंने बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए सुधीर. तो बोलते हैं हाँ मैम बोलिए ना मैं आता हूँ दे लेकर. मैंने कहा नहीं आने की जरूरत नहीं है बस तू 10th कर ले. तो बोलते ठीक है करूंगा और इस वर्ष सुधीर ने 10th कर लिया. तो बहुत सारी बधाइयां सुधीर और वो बहुत मेहनत से अभी भी 11th पढ़ रहा है और जॉब भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है. तो बहुत सारा प्यार से शुभकामनाएं सुधीर. तो अब ये पुरस्कार थे जिसकी कड़ी यहाँ पर समाप्त होती है और हम आगे बढ़ते हैं उस घड़ी पर जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, जिसके लिए एक महीने से बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं और आगे हम ये दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं कि यदि काका आज हमारे साथ होते, उस मंच पर होते जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं, तो वहां का माहौल क्या माहौल होता, वो क्या फीलिंग होती, क्या एक अनुभव वो होता, तो वो हम दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं. और उस कोशिश के साथ हम आपको लिए चल रहे हैं उस दौर में जहां पर हम एक कवि सम्मेलन बच्चे हमारे करेंगे. मैंने एक कल फोटो डाली थी, लोगों से पूछा था कि आपने पहचाना कि कौन है, तो कुछ लोगों का जवाब आ गया कि हाँ हम पहचान गए. तो और उन्होंने नाम लिखकर भेज दिया. तो हम मुझे ये शुरुआत में लगा कि मैं कहीं ना कहीं तक थोड़ी सी सफल हो पाई और थोड़ा सा मैं कहीं पर हम लोग बच्चों की मेहनत कहीं पर टच हो पाई. तो कहीं पर टच हो पाई तो आपके सामने अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं अनोखा कवि सम्मेलन जिसका निर्देशन किया है हमारे पंकज गुप्ता सर ने, जो कि खुद अभिनय के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से लगे हुए हैं. छोटी सी उम्र में दिखेंगे लेकिन आपको जब मैं मिलवाऊंगी बाद में, लेकिन बहुत उन्होंने काम किया है, बहुत मूवीज में उन्होंने काम किया है. तो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारा अनोखा कवि सम्मेलन. तो मैं थोड़ा सा आपका समय ले रही हूं. पास में पहुंच तो आपके सामने है हमारा जज्बा का अनोखा कवि सम्मेलन. तो हम आप एक बार जोरदार तालियों से आप अपने वर्चुअल तालियों से बच्चों का स्वागत करें, हमारी कवि और कवित्रियों का स्वागत करें, बच्चे नहीं हमारी कवि और कवित्रियों का स्वागत करें. और आप लोग की तालियां हमें मिलती रहें, आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे चैट बॉक्स के द्वारा, क्योंकि हम अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने अनम्यूट किया तो वॉइस क्लैश होंगी. तो ओवर टू अनोखा कवि सम्मेलन. अपने अपने स्थान पर बैठे हुए आदरणीय जन, आप सभी को अशोक चक्रधर का प्रणाम. मैं हमारे आज के अनोखे कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करता हूं. और जो कवि सम्मेलन है वो तो बस एक बहाना है, हमें तो काका जी का जन्मदिन मनाना है. काका जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां. और आज का जो ये कवि सम्मेलन,
वो कविताओं के रंगों से भर जाएगा और आपको ये हमारी जो कोशिश है वो जरूर पसंद आएगी। बस एक लाइन के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और आप सभी को अभी तक ये विदित हो ही गया होगा कि कवि सम्मेलन को संचालित करने का जो कार्य है वो मुझे सौंपा गया है, तो अपने इस कार्य को आभार के साथ उठाते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा जो हमारे बीच मौजूद हैं, पद्मिनी शर्मा जी। पद्मिनी शर्मा एक युवा कवित्री हैं और इनकी जो कविताएं हैं वो व्यक्ति के मन को मोह लेती हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। काका जी प्रणाम, अशोक जी और यहाँ पर आए सभी कवि कवित्रियों और श्रोता गणों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे काका जी के समक्ष कविता पाठ करने का अवसर मिल रहा है। तो 21वीं सदी की पद्मिनी आपसे चार पंक्तियां कहना चाहती है। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूँ, फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूँ, ममता की मूरत दुष्टों के खातिर तेज कटारी हूँ, कोई बाधा रोक न पाए आगे बढ़ती जाती हूँ, हिम्मत से हर कदम उठा शिखरों पर चढ़ती जाती हूँ, सिंधु साक्षी और सायना सबने ऐसा काम किया, ओलंपिक में ठाम तिरंगा देश का ऊंचा नाम किया, चूड़ी बिंदिया और महावर ही मेरा श्रृंगार नहीं, चूड़ी बिंदिया और महावर ही मेरा श्रृंगार नहीं, तन को वर्दी हाथों को बंदूक से अब इनकार नहीं, बदनीयत से बड़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी, खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी, बदनीयत से बड़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी, खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ बढ़ाकर, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं, नाम पद्मिनी है मेरा पर जौहर मेरा काम नहीं, नाम पद्मिनी है मेरा। अभी हमें आदरणीय चित्रा जी और शैलेश जी तक की दूरी तय करनी है। मैं बहुत छोटा सा गीत गा के अपने स्थान पे चली जाऊंगी, उसके लिए मुझे जोरदार तालियों से मान दे दीजिए। एक और बहुत छोटा सा गीत आपको सुनाना चाहती हूँ बिटियाओं के बारे में, और मैं भी यहाँ आप सभी की बेटी हूँ, यहाँ पर सबसे छोटी हूँ, आप सभी की बेटी की तरफ से आपको एक मासूम सा सवाल पूछना चाहती हूँ, या आपको एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ एक गीत के माध्यम से। आप लोगों ने बहुत से विदाई के गीत सुने होंगे, शादी के गीत सुने होंगे, लेकिन जो एक बेटी कहना चाहती है वो क्या महसूस करती है उसकी तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके दिल में कहीं जाकर लगे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। रीति रिवाज के नाम पे दर्द निभाना पड़ता है, रीति रिवाज के नाम पे दर्द निभाना पड़ता है, क्यों बिटिया को देश पर आए जाना पड़ता है, क्यों बिटिया को देश पर आए जाना पड़ता है, माँ की परछाई पापा की गुड़िया को, माँ की परछाई पापा की गुड़िया को, घर की रौनक को आंगन की चिड़िया को, नीड़ से अपने आखिर क्यों उड़ जाना पड़ता है, नीड़ से अपने आखिर क्यों उड़ जाना पड़ता है, क्यों बिटिया को देश पर आए जाना पड़ता है, क्यों बिटिया को देश पर आए जाना पड़ता है। और यहाँ बैठे सभी पिताओं से एक सवाल करना चाहती हूँ, एक सवाल है पिता तुम्हारी जाई का, एक सवाल है पिता तुम्हारी जाई का,
वह घर है पति का, यह घर है भाई का, क्यों मुझको बेघर जी कर मर जाना पड़ता है, क्यों मुझको बेघर जी कर मर जाना पड़ता है, क्यों बिटिया को देश पर आए जाना पड़ता है, क्यों बिटिया को देश पर आए जाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पद्मिनी जी। और अब इसी के साथ, जमाने में कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके हुनर बोलते हैं, इसी प्रकार की एक कवित्री आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो स्वयं बहुत कम बोलती हैं लेकिन उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो हुनर है वो बोलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रा देसाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। नमस्कार काका जी, नमस्कार अशोक जी और यहाँ बैठे सभी कवि और कवित्रियों को। आज का दिन बहुत ही खास है, आज काका जी का जन्मदिन है। काका जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत ही भाग्यशाली हूँ आपके सामने मेरी कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। आशीर्वाद चाहती हूँ काका जी। एक कविता जहां से मेरी यात्रा शुरू होती है, गांव की चौपाल। मेरे गांव की चौपाल बोलती है, बारात आई इस गांव में, पगड़ी को पांव में रख कितनी बार मनाया रूठे रिश्तों को। मेरे गांव की चौपाल बोलती है, बारात आई इस गांव में, पांव को पगड़ी में रख कितनी बार मनाया रूठे रिश्तों को। मिठाई की परातों से मोती चूर के लड्डू चुराए, बनने की बातों की खबरें बनने के कानों तक पहुंची। कितनी फसलें संदूकों में बंद हो गईं, कितनी फसलें संदूकों में बंद हो गईं, लौटी फिर बन्नी खाली खाली, लौटी फिर बन्नी खाली खाली। पंच सब जमा हो गए, पूरे गांव का सलाह मशवरा, कुछ और फसल बंद संदूकों में बंद, चौपाल से विदा हो गए। फिर लौटी बन्नी भरी गोद भरे सपने, पंचायत को आगा कर, इस बार नहीं विदाई ना खेतों की ना फसलों की, बिटिया है मेरी भरपूर कमाई। उसने बोई सपनों की फसल जो खलियानों में फैल गई, उसने बोई सपनों की फसल जो खलियानों में फैल गई, बिब्बी की बेटी बड़ी हो गई, कस्बा नगर महानगर में फैल गई, मेरे गांव की चौपाल बोलती है। एक और कविता इसी जमी से, कुम्हार के घर। कुम्हार के घर से खेतों में जाती थी, चाक पर रखी मिट्टी हाथों में लपेट गोल गोल घुमाती थी। कुम्हार के घर से खेतों में जाती थी, चाक पर रखी मिट्टी हाथों में लपेट गोल गोल घुमाती थी। हमेशा एक सवाल, सुराई मटके दिए मिट्टी बनाती है या हाथ? नानी का सीधा जवाब, ना मिट्टी ना हाथ आग बनाती है सब, ना मिट्टी ना हाथ आग बनाती है सब, टिकती है मिट्टी तभी तो बनती है, वरना टूटकर मिट्टी में ही घुली रहती है। आग तपाती है झुलसाती है, आग तपाती है झुलसाती है, भट्टी में पड़े हर सांचे को परिपक्व बनाती है। पर फिर मेरा सवाल, पर आग तो सब मिटाती है, आग तो सब मिटाती है, उदंड हो घर गांव खेत शरीर सब जला देती है। नानी का करारा जवाब, आग ही सब बनाती है, दिए में उतरती है तो प्रार्थना बन जाती है, और देह में उतरती है तो पूरी सृष्टि बन जाती है। अपने भीतर आग
सहज कर रखना तो ही बन पाओगी, वरना पूरी उम्र मिट्टी ही रह जाओगी। अपने भीतर आग सहज कर रखना तो ही बन पाओगी, वरना पूरी उम्र मिट्टी ही रह जाओगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। और अब बारी उनकी, जिनको हमने बारंबार अनेक बार टेलीविजन पर देखा और सुना है। शैलेश लोढ़ा देश प्रेम की कविताएं लिखते हैं और साथ साथ लगे हाथ बहुत सटीक व्यंग करते हैं। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे शैलेश लोढ़ा को। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। काका जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज काका जी के सामने मुझे मेरे छोटे छोटे व्यंग प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मेरी एक पंक्ति यह है कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। और यकीन मानिए, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, 1947 से पहले अगर व्हाट्सएप आ गया होता, अशोक जी, देश आज तक आजाद नहीं होता। सब एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाए। ये स्थिति है हमारी। और ये फेसबुक, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको अपने एक प्रोग्राम में, फेसबुक मतलब झूठ बोलने का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा। अभी मैं पूछ लूंगा कितनों के पास फेसबुक का कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, है अरुण जी के पास भी, और 30 साल पुराना फोटो लगा रखा है। क्योंकि आदमी वहां फेसबुक पे लोगों से बात नहीं करता है, चेहरों से बात करता है। आपका चेहरा जितना अच्छा होगा, आपकी बातें भी उतनी अच्छी हो जाएगी। वरना हम हिंदुस्तानी लोग इतने, माफ कीजिएगा, इतने पाखंडी होते हैं, टेलीफोन पर अचानक हमारा स्वर मीठा हो जाए तो समझ लीजिएगा सामने कोई स्त्री है जो स्वयं की नहीं है। अचानक मीठा हो जाए, हेलो, हुम डू यू वांट टू टॉक टू, समझ लीजिएगा सामने कोई स्त्री है जो स्वयं की नहीं है। वरना स्वयं की स्त्री से जब आदमी बात करे, यकीन मानिए वो ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा, वो असल में बात ही नहीं करता है। जब फोन पर होता है सेंटेंस तो पूरे बोलता ही नहीं है, एक ही शब्द बोलता है, वो भी दो दो बार। अशोक जी, ये ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा, हिंदुस्तानी आदमी जब बीवी से बात करे, एक ही शब्द बोलता है दो दो बार, हेलो हेलो, हाँ हाँ, ऑफिस में, ऑफिस में, खा लिया खा लिया, फोन रख फोन रख। ये सच्चाई है हमारी, हम करते ही यही है। अरे फेसबुक, मैं सही बता रहा हूँ अशोक जी, यहाँ पर तो लोग फोटो देखकर अपना चरित्र बदल देते हैं एकदम। अभी आप कल्पना कीजिए कि कोई खूबसूरत सी महिला है फेसबुक पे और उन्होंने एक स्टेटस लिखा कि आज मैं, अब जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो अपने कार से जाते हैं, अपने वाहन से जाते हैं, पर उन्होंने एक स्टेटस लिखा कि आज मैं सरकारी बस से बाजार गई। तो अब फोटो उनकी है फेसबुक पे और स्टेटस भी उनका है, तो स्टेटस पे रिएक्शन भी उनकी फोटो देख कर आएंगे। तो पहला रिएक्शन, हाउ स्वीट। दूसरा, आप कितनी सहज है। तीसरा, आपसे हमें सीखना है। चौथा, अगली बार जाए तो हमें भी ले जाना। अभी यही चीज, कोई एक पुरुष लिखे कि आज मैं सरकारी बस से बाजार गया, कोई एक पुरुष लिखे, तो अब फोटो उसकी है फेसबुक पे और स्टेटस भी उसका है, तो स्टेटस पे कमेंट भी उसकी फोटो देखकर आएंगे। तो पहला कमेंट, तो दूसरा, हमें क्यों बता रहा है। तीसरा, पैदल जाया कर। चौथा, तेरी औकात ही है ये भिखारी कहीं के। धन्यवाद।
क्या बात है शैलेश, तुमने सच कहा कि जो हमारी जिंदगी है वो सोशल मीडिया के अनुसार चलने लगी। लेकिन अगर मैं बात करूं जो बीते हुए पिछले 2 वर्ष हैं, उन 2 वर्षों में वो सोशल मीडिया ही था जिसने हमें घर में बंद रहते हुए भी सांस दी और जीने की आस दी। तो अब इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा उन्हें जो देसी कवि के नाम से प्रचलित, जिनके छोटे छोटे किस्से आपको खूब हंसाएंगे और गुदगुदाएंगे। तो इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अरुण जयमनी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप सभी की जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। देखो जी, मैं हरियाणा का हूं तो हरियाणा के बारे में बोलूंगा। कोई एक आरोप हरियाणा के आदमी पे ये लगता है जी कि जो हरियाणा का आदमी है वो जवाब उल्टे देता है। देखो जी, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। वो एक बाल काटने वाले के पास पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य से सवाल पूछा, बोला बाल छोटे करने हैं। हरियाणा वाला बोला बड़ा भी सके है। जो काम तेरे बस का नहीं वो पूछ क्यों रहा है। कुमार जी, हमारे हरियाणा में हास्यरस छुपा हुआ है और जो रिश्ते हैं उनमें तो बहुत। जैसे ताई, वो एक मुकदमा चढ़ रहा था तो ताई गवाही देने आ पहुंची, दोनों वकील भी उनके ताई के गांव के। तो दो में से एक ने पूछ लिया, बोला ताई तुम्हारे जाने है। बोले अच्छे से जानू हूं, राधे श्याम को छोरा है तू, एक नंबर का याश, एक नंबर का झूठा। वकील सन्न रह गया। पहले वकील ने दूसरे वकील की तरफ इशारा करते हुए पूछा, बोला ताई तू यहाँ जाने है। बोली खूब अच्छे से जानू हूं, राधे श्याम को छोरा यू, यू तेरे से बड़ा याश है, यू तेरे से बड़ा झूठो है। साहब, जज इनकी बात सुन रहा था, उसने तुरंत कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में पहुंचा, दोनों वकील बुलवाए, बोले खबरदार कर ताई से मेरे बारे में कुछ पूछा तो। शैलेश जी, आप अभी मुझे फेसबुक के बारे में कह रहे थे, ये खुद ही फोन चलाने लाग रहे। ध्यान दीजिए अशोक जी, हमारे यहाँ के डॉक्टर भी अलग है। वो एक डॉक्टर मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो, जहर चढ़ रहा भाई, टांगें काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगें काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो, तुम्हारी तो जींस ही रंग छोड़ती है। मैं जाने से पहले एक किस्सा और सुनाना चाहूंगा जो कि डॉक्टर का ही है। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको जुलाब की गोली दे दी। उसके जाने के बाद कंपाउंडर बोला, बोले साहब ये क्या किया आपने, उसके तो खांसी थी आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ भी हो, सारा खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। धन्यवाद। क्या बात है अरुण, तुमने क्या हास्य का तड़का लगाया है। और अब इस हास्य के तड़के से जितने भी दर्शक बैठे हैं उनमें से कोई बच नहीं पाया। और अब इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं उन्हें जिनकी कविताएं व्यक्ति के अंदर हर्ष और उल्लास पैदा करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं मधु मोहिनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ काका जी को और अपने काव्य गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी को। सभी की उत्साह भरी उमंग भरी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और काका जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और
राधा कृष्णा पर मैंने बहुत लिखा, लेकिन काका जी बैठे हैं यहाँ, तो मेरा एक गीत है बहुत पहचान का, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया और उस गीत की पंक्तियां अक्सर उतरती बढ़ती रहती है। मैं बताती हूँ कि प्यार एक ऐसा शब्द, ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास है। प्यार एक ऐसा शब्द, ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास है जो हमारे आपके सबके आसपास है। ढाई अक्षर प्यार की कोई भाषा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, और प्यार व्याख्या की विषय तो बिल्कुल भी नहीं। ढाई अक्षर प्यार में मैंने चिंतन किया, मनन किया, तो मुझे उसके कई शब्द मिले के पर्याय के। प्रायः ढाई अक्षर मिला, प्रेम ढाई अक्षर, इश्क ढाई अक्षर, स्नेह ढाई अक्षर, प्रीत ढाई अक्षर, प्रीति ढाई अक्षर, दोस्ती दोस्ती के आधार है ढाई अक्षर, भक्ति भक्ति के आधार है आस्था, निष्ठा और प्रेम सभी में ढाई अक्षर। और मैं आपको एक और बात सिद्ध करूंगी कि मैं अभी खड़ी हूँ ढाई अक्षर मंच पर। तो मैं गीत शुरू कर रही हूँ कि रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, जीने की जो चाह दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे तो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, दर्द को निगल गया तो जानिए वो प्यार है, दर्द को निगल गया तो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, दर्द को निगल गया तो जानिए वो प्यार है, डूबते को तार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, गीत को जो भाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उड़खिले तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उड़खिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, टूटते को जोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को मोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को सवार दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को सवार दे तो जानिए वो प्यार है। और राधा कृष्णा पर मैंने बहुत लिखा, भारत इस प्यार के लिए जाना माना पहचाना जाता है, लेकिन मैंने एक जगह लिखा कि मैंने खुद से कहा कि छिपाएं तो क्या न बताएं तो क्या, छिपाएं तो क्या न बताएं तो क्या, प्यार छिपता है क्या, रोके रुकता है क्या, मैंने खुद से कहा प्यार पे तू नहा, प्यार जैसी महक है कहीं भी नहीं, जहां है प्यार जिंदगी है वहीं, जहां है प्यार जिंदगी है वहीं। प्यार पे मैंने जब जितना ज्यादा लिखा, प्यार पे मैंने जब जितना ज्यादा लिखा प्यार मुझे उससे बड़ा उतना ज्यादा दिखा, प्यार पे मैंने जब जितना ज्यादा लिखा प्यार मुझे उससे बड़ा उतना ज्यादा दिखा, प्यार पे लिखते लिखते कलम रुक गई, ढाई अक्षर के आगे कलम छूट गई, ढाई अक्षर के आगे कलम छूट गई। और बहुत सारे बच्चों को, कुछ बच्चों को यहाँ पे पुरस्कारित भी किया गया, तो उनको प्रेरणा देने के लिए मैं अपनी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सुख दुख के चक्र में ही घूमती है जिंदगी, कि सुख दुख के चक्र में ही घूमती है जिंदगी, खुशियों में बावरी सी झूमती है जिंदगी, खुशियों में बावरी सी झूमती है जिंदगी, माता पिता को हर कदम पे पूजते हैं जो, माता पिता को हर कदम पे पूजते हैं जो, उनको कदम कदम पे चूमती है जिंदगी, उनको कदम
कदम की चुनौती है जिंदगी, और आपके जीवन में खुशियां उन्नति आप सभी के कदम छू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधु मोहिनी जी। और अब मैं बुला रहा हूं उन्हें जो युवाओं के कवि हैं, युवा जिनकी कविताओं को सुनते हैं और अपने दिलों में बसा लेते हैं। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं कुमार विश्वास को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, काका जी को प्रणाम और मेरे गुरु अशोक जी को प्रणाम। मेरे कुछ मुक्तक ऐसे हैं जिनमें कुछ खास तो नहीं है लेकिन बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ। कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। चार पंक्ति और सुनिएगा। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। वाह करो चले जी, इतनी देर हो गया कार्यक्रम सुनते हुए आपको, अभी बताना पड़ रहा है कि वाह कीजिए। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खून को खून समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है, मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए। अब इससे पहले कि अशोक जी किसी और को आमंत्रित करें, हम अशोक जी को सुनना चाहेंगे, तो जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं अशोक चक्रधर जी को। कुमार तुमने मेरा नाम बता दिया और मुझे फंसा दिया। एक जातक कथा के माध्यम से अपनी बात को शुरू करूंगा। जातक कथाएं लिखी जाती थी प्राचीन काल में और उन कथाओं के माध्यम से उस जमाने की सच्चाई को बताया जाता। एक जातक कथा। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी सकरी। अचानक सामने आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर, भागने का नहीं था कोई रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी जैसे तैसे बच्चे को लगी थामने, तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या आप हमें खा जाएंगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पर फिराया और बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरब हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव, आशीष देता ये पशु पुंगव शेर, के अब नहीं होगा कोई अंधेर, झूमो नाचो गाओ और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान बोली, बेटा ताजुब है, भला ये शेर किसी पर रहम करने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और काका जी, मैंने एक कॉलम लिखना शुरू किया है जिसमें एक चाचा जी होते हैं और एक होता है चंपू। चंपू
वैसे तो खड़ी बोली में बात करता है, लेकिन कभी कभी चाचा जी को खुश करने के लिए ब्रज भाषा में भी बात करता है। तो चाचा जी ने पूछा कि चौरे चंपू, अगर जा मथुरा मेट्रो रेल मथुरा तक आए जाए तो वह में अनाउंसमेंट कैसे होया करेगा और जा बता दे। तो चंपू बोला, सुन लो राधे राधे, जा मथुरा मेट्रो है, जा मैं आप सबन को स्वागत हूँ, अगलो स्टेशन धोली प्याऊ को, दरवाजा उल्टे हाथ में खुलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेड़ाई या शंकर हलवाई को मीठो लेने होए यहीं पर फट सीना उतर जाए, जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी, गुटका खाए बे और बीड़ी है पिए भी की तो सोचियो मती, नहीं तो 500 रुपया ते तिलक है जाए। दरवाजन ते चिपक बे की जरूरत ना है, फंस गए तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। अगाड़ी के दो डब्बा और कनकुए, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ो जाएगा तो तबीयत ते खातिरदारी है जाए, धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े इनको पहले जगा दियो, ईमानदारी ते टिकट लेके चल भी को काम है, होशियारी करी तो कैमरा लग रहे हैं, जो पकड़ो जाएगो जेल के जंगला की हवा खाएगो राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं अब मैं अपने संचालन के कार्य को पुनः निभाते हुए मंच पर आमंत्रित करूंगा उन्हें जो हमारे साथ आज इस मंच पर उपस्थित नहीं है लेकिन साथ हैं, दूर होते हुए भी पास हैं। मैं स्वागत करूंगा राणा तबस्सुम जी का कि वो आए और अपने गीतों से शाम को यादगार बनाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को आदाब करती हूँ, सलाम करती हूँ और साथ ही बहुत खुशनसीब हूँ कि काका जी के सामने अपना गीत सुनाने का अवसर मिल रहा है, लेकिन बहुत दुखी भी हूँ कि वहाँ उस मंच पर उपस्थित नहीं हो पाई। बहरहाल काका जी आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और एक छोटा सा गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखिए अक्सर जो है मैं रोमांटिक गीत लिखा करती हूँ, सुनाया करती हूँ, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है कि मैं राष्ट्रीय एकता पर एक गीत आप सभी को सुनेगा पेश करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप भी इसमें मेरा साथ दें तो बहुत अच्छा। सुनिए, अल्लाह बोलो चाहे राम, अल्लाह बोलो चाहे राम, अल्लाह बोलो चाहे राम, मालिक के है दोनों नाम, डूबो है किस सोच में पगले, उसके नाम की मलाह जप ले, डूबा है किस सोच में पगले, उसके नाम की मलाह जप ले, सुनता है सुबह शाम, अल्लाह बोलो चाहे ना, अल्लाह बोलो। अब सुनिएगा कि मंदिर और मस्जिद में क्या है, मन में तो भगवान छुपा है, मंदिर और मस्जिद में क्या है, मन में तो भगवान छुपा है, ढूंढना बंदे तेरा काम, अल्लाह बोलो चाहे राम, अल्लाह बोलो। अब बंद पेश करना चाहती हूँ और ये बंद मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएंगे और इसीलिए चाहती हूँ कि आप इस बंद को ध्यान से सुनिए। के काबा जाया मधुरा काशी, काबा जाया मधुरा काशी, क्या होगा जब मन है पापी, क्या होगा जब मन है पापी, घूमन चाहे चारों धाम, अल्लाह बोलो चाहे
अल्लाह बोलो चाहे राम, अल्लाह बोलो चाहे राम, मालिक के है दोनों नाम। अब आखिरी बार सुनिएगा कि गीता और कुरान में वो है जलवागर इंसान में वो है, गीता और कुरान में वो है जलवागर इंसान में जो है, राणा कर उसको प्राणा, अल्लाह बोलो चाहे राम, अल्लाह बोलो चाहे राम, अल्लाह बोलो चाहे राम, अल्लाह बोलो चाहे राम, मालिक के है दोनों नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा तबस्सुम जी, और सचमुच आपके इस गीत ने आज की शाम को यादगार बना दिया। और अब बारी उनकी जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनको मैं सुनना चाहता हूं। तो इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आमंत्रित करता हूं हम सबके काका जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है काका जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार देवियों और देवताओं, आज आप सभी ने मिलकर मेरे इस जन्मदिन की बहुत अच्छी तैयारी की है, धन्यवाद उसके लिए। आज यहाँ बैठे सभी युवा कवियों को देखकर मैं भी युवा बन गया हूँ। तो आज ये युवा काका एक वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं बहुत पहले सरस्वती वंदना का पाठ किया करता था। सरस्वती वंदना का पाठ करते करते मेरी फाइनेंशियल पोजीशन गिरती गई, तब मैंने लक्ष्मी वंदना आरंभ की और मेरे ऊपर नोटों की वर्षा होने लगी। तब से मैंने ये नियम बना लिया कि हर कवि सम्मेलन में सबसे पहले लक्ष्मी वंदना प्रस्तुत करूंगा। लक्ष्मी मैया वरदे, लक्ष्मी मैया वरदे, काका कवि को इसी वर्ष में ऋणपति कर दे, वरदे। लक्ष्मी मैया वरदे, लक्ष्मी मैया वरदे, छंद छोड़ छल छंद बनाऊं, छंद छोड़ छल छंद बनाऊं, कविता काट अकविता गाऊं, छंद छोड़ छल छंद बनाऊं, कविता काट अकविता गाऊं, फट जाए या माई कैसा पावरफुल स्वर दे, वर दे। लक्ष्मी मैया वर दे, लक्ष्मी मैया वर दे, तार कामनी कंचन कोठी, कार कामनी कंचन कोठी, लपके जिव्वा फड़के बोटी, कार कामनी कंचन कोठी, लपके जिव्वा फड़के बोटी, अमरीका का सारा सोना मेरे घर धर दे, वर दे। लक्ष्मी मैया वर दे, लक्ष्मी मैया वर दे। अब मैं एक छंद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सेठ भिखारी दास का बेटा लक्ष्मी चंद, शादी को बेचैन था, एक नेत्र था बंद, एक नेत्र था बंद, रात दिन आहे भरता, शिव शंकर की पूजा नित नियम से करता। भोले हुए प्रसन्न कहा वर मांगो भैये, वह बोला वर नहीं मुझे तो कन्या चाहिए। एक आखिरी छंद
मैं अपनी रुंझुन यानी अनुभूति बिटिया के लिए बोलना चाहता हूं कि आए जब इंग्लैंड से भारत विलियम डंग, खाकर गरम जलेबियां डंग रह गए दंग, डंग रह गए दंग, बोले इसे कैसे है बनाता, ताजुब है रस भीतर कैसे घुस जाता। बैरा बोला साहब इसे आर्टिस्ट है बनाते, बन जाती तो इंजेक्शन से रस पहुंचाते। धन्यवाद। वाकई में आज का जो कवि सम्मेलन है वो बहुत अनोखा है, क्योंकि यहाँ बैठे सभी कवियों के साथ कविता पाठ करने का और उनको सुनने का अवसर मिला। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आप सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, और हम सभी काका जी को बहुत देर तक सुन सकते हैं, लेकिन जो घड़ी है वो बढ़ती जा रही है और रात्रि की काली माँ आकाश में छा रही है। तो इसी के साथ मैं अशोक चक्रधर आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और अब जो कार्यक्रम की आगे की कार्यवाही है वो अनुभूति के हाथ में देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं बुला रही हूँ इस के पीछे के मेहनत का, मेहनत इन सभी ने की है, और एक और मेहनत जिन्होंने की है वो है हमारे पंकज सर। पंकज सर, पर्दे के पीछे से निकलते हुए पंकज सर हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय पहले ही आपसे करा चुकी हूँ, और साथ में मैं हमारी राणा तबस्सुम जी जो आ नहीं पाई उनको भी साथ में जोड़ती हूँ। और सभी का एक बार मैं परिचय कराती हूँ। तो राणा तबस्सुम जी के किरदार को निभा रही थी हमारी सजदा, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। काका जी के किरदार को निभा रहे थे फिरोज, प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी के किरदार को निभा रहे थे लक्ष्मण, मोहिनी जी के किरदार को निभा रही थी जया, अरुण जैमनी जी के किरदार को निभा रहे थे हमारे संजय, और शैलेश लोढ़ा जी के किरदार को निभा रहा था हमारा नटकट अजीत। चित्रा जी के किरदार को निभा रही थी हमारी प्रियंका, कुमार विश्वास जी के किरदार को निभा रहा था हमारा एक और शैतान गोविंद, और पद्मिनी जी के किरदार को निभा रही थी हमारी विनीता। सभी का बहुत 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 सारा धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सर का, पंकज सर हमारे साथ हैं, बहुत हम लोगों ने मेहनत की है। अब मैं आप सभी से चाहूंगी आप मुझे लिखकर बताएं, हम सभी को लिखकर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और आशीर्वाद दें कि हम और कोशिश करें अगले साल और अच्छे से कर पाएं, और कुछ नया कर पाएं, ऑफलाइन करें और सब लोग वहां पर उपस्थित हों। बहुत 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 सारा धन्यवाद। तो अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, जो पड़ाव बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उस पड़ाव के बिना हमारे को ये समझ नहीं आएगा कि हमने जो किया वो कैसा किया, अच्छा किया,
कि क्या प्रयास हमारे और करने चाहिए जिससे हम अगले साल और मेहनत कर पाए और अच्छे से आगे बढ़ पाए। तो हम चाहेंगे कि हम अब अपने विशिष्ट अतिथियों को पहले सुने और फिर हम चित्रा जी के पास में आएंगे। तो मैं पहले जा रही हूँ डॉक्टर मुकेश गर्ग जी के पास और मैं चाहती हूँ कि आप अनम्यूट करें अपने आप को। और आपको कार्यक्रम कैसा लगा? सर्वप्रथम थैंक यू सो मच आप आए और आपने हमें ये हिम्मत दी कि हम कुछ करें। तो ओवर टू यू अनुभूति। मैं तो चकित हूँ ये सब देख के और मुझे बड़ा अपने खानदान पर गर्व होता है और खास तौर से खानदान की जो धुरी है वो है काका हाथरसी। स्वयं अशिक्षित रह गया आदमी अपने तमाम बच्चों को पढ़ने के लिए आगे प्रेरित करे और जरा सा भी कोई कुछ उपलब्धि हासिल कर ले तो तुरंत उसे पुरस्कृत करे। मैं शिमला से आ रहा था काका जी के साथ, हाथरस जंक्शन पर गाड़ी रुकी और मैंने कहा मैं अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट देख के आता हूँ काका। तो बोले जा देखा। मैं देख के आया अखबार, उस जमाने में बड़ी मुश्किल से रिजल्ट देखने में आते थे। देख के आया तो मेरी फर्स्ट डिवीजन थी और जब मैं आया पांव छुए काका जी के तो उन्होंने तुरंत 100 रुपए का नोट निकाल कर मुझे इनाम में दिया। ये 1967 की बात, उस वक्त 100 रुपए का मायने होता था। इस तरह वो सबको पुरस्कृत करते थे, बच्चों को पुरस्कृत करते थे। हम आपको सबको पता होगा कि काका जी हमारे चाचा जी थे, पिताजी हमारे उनसे 2 साल बड़े थे, पर पिताजी की इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि बच्चे पढ़ें लिखें। तो ये जो बात है उसकी वजह से मुझे हमेशा ये लगता है कि काका ना होते तो ये जितनी प्रतिभाएं आज हमें दिखाई दे रही हैं काका परिवार में वो सब भी ना होती। मुश्किल था। और कभी कभी तो काका जी मजाक में बोल देते थे कि अगर मैं ना होता तो तुम सब चाट पकौड़ी बेच रहे होते खोमचे पे। और ये सच्चाई थी, वो गलत नहीं बोल रहे थे, क्योंकि काका जी की मदर महागरीबी में ये सब करती थी और वो तो बर्तन तक मलने जाती थी दूसरों के घरों में, तब काका को और हमारे पिता को उन्होंने पाला। किन कष्टों से निकला हुआ इंसान काका हाथरस। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उनके नाम से शिक्षा पुरस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि काका जी शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे। और जो हमारी रुंझुन है, जिसे हम घर में रुंझुन बोलते हैं और वैसे वो अनुभूति है, उन्होंने जो काम किया है ये मेरे लिए एक आंखें खोल देने वाला है। पैसे नहीं है, साधन नहीं है, बावजूद इसके समाज के लिए इतना बड़ा कमिटमेंट कि आपको तो करना है तो करना ही है। तबीयत खराब है, बीमार रहती हैं कई बार, लेकिन बावजूद इसके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ये आगे बढ़ते हुए देखती रहना चाहती हैं, ये मर मिटने को तैयार है। तो अनुभूति का ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन और इसमें जितने बच्चे, एक से एक प्रतिभाशाली बच्चे, मैं फिर ये बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं वंचित तबका, उस वंचित तबके में ही इस देश की सबसे बड़ी प्रतिभा निवास करती है। अगर उनकी उपेक्षा ना हुई होती तो आज ये देश न जाने कितनी प्रतिभाओं से चमचमा रहा होता। और अब इस तरह के प्रयास जैसा अनुभूति कर रही है न्यो फ्यूजन के जरिए, ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ इससे बड़ा मानवीय काम और कोई कर नहीं सकता। घर वाले भी कई बार बोलते हैं अनुभूति को कि जब पैसे नहीं है, कुछ करने की स्थिति नहीं है, तबीयत खराब है, तो क्यों इसके पीछे लगे रहते हो, रेस्ट करो, थोड़ा अपनी तबीयत सुधारो, पर वो किसी सूरत में नहीं मानती। ऐसा बच्चा हमारे परिवार में है
ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और मुझे बहुत फख्र होता है इस बात के ऊपर। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय बहुत खिंच गया है। सबको, पूरी टीम को भरपूर बधाई देना चाहता हूँ। ये जो कवि सम्मेलन हुआ इसमें भी सब लोगों ने किस कदर मेहनत की है, एक एक कैरेक्टर को अपने अंदर उतारना कोई आसान है। लक्ष्मी मैया वरदे, इस वंदना को, क्योंकि मैं संगीत का विशेषज्ञ था, स्वरलिपि करता था, तो काका जी मेरे से कहते थे कि बेटा इसके सुर ठीक करा दे, कभी कभी बेसुरा तो नहीं हो जाता, तो मैं उन्हें लेके बैठता था, कभी कभी हारमोनियम के साथ भी बैठता था, और उनके इस वरदे दे जो है वो बेसुरा होता था, चाहे जब ऊपर चढ़ जाता था तो मैं उतार के लाता था उन्हें नीचे। लेकिन इस बच्चे ने इतना अच्छा किया, लक्ष्मी मैया वरदे कहना ये मुश्किल बात थी, सुर पे टिके रहना मुश्किल बात। तो बहुत सारी बातें हैं जो कहूँगा ढेरों हो जाएंगी, लेकिन बस एक ही बात है, समाज के उस तबके के लिए जिसको सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, अगर हम थोड़ा सा भी करते हैं तो बहुत बड़ा होता है, और न्यू फ्यूजन तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो कितना बड़ा होगा। मेरी खूब शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तमाम काम करने वाले लोगों के लिए। डांस बहुत अच्छा हुआ था शुरू में, मैंने उसे देखा, बिना कोई साजो सामान के और आप डांस कर रहे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है, मेहनत की है, उनके जो गुरु हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत को सलाम करना पड़ता है। जहाँ सारी सुविधाएं हैं, एयर कंडीशनड हॉल हैं, वहां तो कुछ भी कर लीजिए आप, और वहां संपन्न वर्ग के लोग आते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, घर जाके रेस्ट करेंगे, लेकिन ये बच्चे 2400 घंटे किसी ना किसी जिम्मेदारी से दबे रहते हैं, उसके बाद फिर ये ऐसा नाचते हैं तो मेरा गला भर आता है। नमस्कार। थैंक यू सो मच मामा जी, बहुत सारा प्यार आपको, और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। थैंक यू, आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मुझे मिलता रहे, और मुझे मुझे हारना ही नहीं है, और ये बच्चे मेरी हिम्मत है, सारे अवार्ड से मेरे बच्चे हैं। थैंक यू। तो अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, और हमारी दूसरी बहुत प्यारी सी हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारी श्रीमती रेखा बब्बर जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे को अपना प्यार दें, और मैं एक सेकेंड में उनको अनम्यूट करती हूँ। चाची जी आपके पास। हाँ बिल्कुल। मुकेश भाई साहब को नमस्कार, यहाँ उपस्थित सब लोगों को हेलो, चित्रा जी को नमस्कार, मेरी सखी चित्रा जी यहाँ हैं उनको नमस्कार। मैं बताना चाहती हूँ, जल्दी जल्दी बताती हूँ, समय कम है इसलिए, कि 2019 में मेरी अनुभूति से बात हुई थी और उसने इस संस्था के बारे में मुझे बताया था, और तभी उसने कहा था कि 30 बच्चे ग्रीन बेल्ट हैं ताइक्वांडो में, 20 बच्चे कमा रहे हैं, कुछ कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, कुछ पुलिस में जाना चाहते हैं, और उसने बहुत कामयाबी हासिल की है। और अभी मुकेश भाई साहब कह रहे थे कि घर के लोग कहते हैं कि अनुभूति तुम रेस्ट करो, मुझे लगता है ये रेस्ट करेगी तो ये ठीक ही नहीं रहेगी अनुभूति, काम करके ही और इतना खूबसूरत काम करके ही वो ठीक रह सकती है। और जो आज का कार्यक्रम था, काका जी की बात करूं मैं तो 1991 में मेरी शादी हुई थी, और 92 में मेरी काका जी से भेंट हुई थी, एक भेंट हुई थी मेरी, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया था, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और जब मैं छोटी थी, जब मैं जानती नहीं थी कि मैं इस परिवार के करीब आ पाऊंगी, कभी काका जी से मिल पाऊंगी, तो हम लोग रेडियो सुना करते थे, और रेडियो पे आता था कि आहा मीठी मीठी काका की मीठी मीठी हंसाइयां, इन्हें खिलाओ मुगली गुट्टी 555, आहा मीठी मीठी, तो वो आज तक जहन में है, वो गया ही नहीं है जहन में से। फिर मैंने बाद में सुना कि जब काका जी गए इस दुनिया से, 18 सितंबर को आए और 18 सितंबर को ही गए, ये भी एक कमाल की बात है।
और उनकी इच्छा थी कि वो जब उनका संस्कार किया जाए तो शमशान भूमि में हास्य कवि सम्मेलन किया जाए, ऐसा मुकेश भाई साहब मैंने सुना है और ऐसा हुआ था। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही अलग बात है, बिल्कुल मतलब। और तुम जो कर रही हो अनुभूति, पुरस्कार दे रही हो बच्चों को, पुरस्कार से प्रोत्साहन मिलता है और प्रोत्साहित होकर आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और तुम्हारे इन बच्चों से, प्रियंका, सुधीर, शरीफा, विश्वजीत, रोहन और जितने भी बच्चे हैं, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जो कवि सम्मेलन था वो कमाल था, कमाल। मैं चित्रा मेरी सखी है तो जब वो पढ़ती है तब वो चश्मा लगाती है, उस बच्ची ने वैसे ही चश्मा लगाया, उस बच्ची ने वैसे ही ऐसे बाल संवारे, तो इतना मतलब बारीकी से। पंकज जी, मैं आपको बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ और कमाल का काम किया है आप सब ने, मतलब किरदारों को दिया है एकदम से हमारे सामने, एकदम रख दिया, जो भी किरदार आपने दिया वो रख दिया आप लोगों ने। बच्चों बहुत बहुत बधाई, प्यार, आशीषें, खूब आगे बढ़ो, यूं ही खूब बढ़िया बढ़िया काम करते रहो। अनुभूति, यूं ही अपने अंदर की ऊर्जा को बनाए रखो और बिल्कुल बीमार पड़ना तुम्हें अलाउ नहीं है एकदम से, ठीक है? बिल्कुल खुद को भी ठीक रखो, क्योंकि तुम्हें इन सब बच्चों को ठीक रखना है, इन सब बच्चों को मतलब चमकता हुआ तारा बनाना है, आसमान का सितारा बनाना है। मेरा प्यार, शुभकामनाएं, बधाई, आशीषें, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू अनुभूति। थैंक यू सो मच चाची जी फॉर ऑल द लव, ऑल द अफेक्शन, और आप आए अपना समय निकालकर, आपका बिजी शेड्यूल था, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल अब मैं प्रण लेती हूँ कि मैं बीमार नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, इसी के साथ, थैंक यू, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी मुख्य अतिथि की ओर और हम उन्हें सुनना चाहते हैं। सो बहुत 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 स्वागत आपका, और आप आए, आपने अपना पूरा समय हमारे साथ बिताया और बच्चों को सुना। और मैं सच्ची में जब प्रियंका पढ़ रही थी तो मैं आपको देख रही थी उस समय कि आपका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि प्रियंका को देखकर आपको कैसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। सबसे पहले सभी को नमस्कार, और इतना गौरवशाली मंच देने के लिए अनुभूति तुम्हारा बहुत बहुत आभार। मेरी प्रिय मित्र रेखा यहाँ बैठी हुई है और उनका भी धन्यवाद कि मुझे इस मंच से जोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मंच से जुड़ना मेरे लिए मुझे समृद्ध करता है। और मैं कहूंगी कि पूरा कार्यक्रम के इतने भावों से हरा भरा ये कार्यक्रम भरा पूरा, इतने धरातल पर ये कार्यक्रम था कि मैं कहां से शुरू करूं, जहां पहली गणेश वंदना से, जहां कथक मैंने देखा और इतना सुंदर कथक, बिना किसी, जैसे मुकेश जी ने कहा कि संसाधनों के, इतना सुंदर कथक बच्चों ने पेश किया, गणेश वंदना पेश की। उसके बाद इतने सारे जो शिक्षा पुरस्कार जिनको मिला, और क्योंकि मैं जिस जगह से हूं वहां माना जाता है कि मेरे घर में माना जाता है विद्यादान महादान, और तुम इस तरह का कार्यक्रम कर रही हो, न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है कि जहां मतलब उनके सपनों में सब शामिल है, तुम्हारे सपनों में सब शामिल है, और जहां हमारे सपनों में दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं और इतने छोटे बच्चों का भविष्य के बारे में हम सोचने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता इस धरती पर। तो इतना सुंदर तुम काम कर रही हो अनुभूति कि मुझे लगातार, अब मैंने क्योंकि ये खुला मंच है और मुझे लगता है कि इस मंच से मैं हमेशा जुड़ी रहूंगी किसी भी रूप में, इतने इतना सुंदर कार्य बच्चों का जो यहाँ पे हो रहा है और तुम इतना अच्छा कार्य कर रही हो, यह प्रयास, मैं तो मुझे ये लगता है कि हर प्रयास सराहनीय है, लेकिन इस तरह का प्रयास तो वाकई सराहनीय है। और एक धरातल को ये था कि बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, और दूसरी धरातल काका हाथरसी, जैसा मैंने दरअसल मैं पढ़ रही थी काका हाथरसी जी के बारे में, और दो चीजें मैं उनके बारे में यहाँ कहना चाहूंगी जो कि सब लोग जानते हैं काका हाथरसी जी के बारे में, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया कि हास्य व्यंग को हिंदी साहित्य
जो अभी तक उपेक्षा करता था हास्य, उस चीज को वहां पर बहुत महत्व दिया। और दूसरी चीज ये कि कहीं उनके जो अवसाद नहीं था, जो मैंने भी यही पढ़ा, जो रेखा ने अभी बोला कि उन्होंने कहा उनकी, उन्होंने अपनी जो विरासत लिखी उस पर ये लिखा कि मेरी मृत्यु पर अवसाद ना हो, कोई उदास ना हो और हंसते हंसते लोग मुझे विदा करें। इसलिए जब उनका दाह संस्कार हो रहा था तो दूसरी तरफ कवि सम्मेलन हो रहा था, हास्य कवि सम्मेलन हो रहा था। ये एक अद्भुत अद्भुत बात है, वो उस व्यक्ति की संवेदना भी, कि आप सोचते हैं कि आपके जाने के बाद भी कोई उदास ना हो, कहीं अवसाद ना हो, माहौल ठीक रहे, उस तरह की संवेदना होना, उस तरह के काका हाथरसी को आज के दिन उनकी स्मृति को शत शत नमन। और तुम क्योंकि उस परिवार से आती हो, और दूसरा जो धरातल है कि शिक्षा और इन बच्चों के लिए जो तुम कर रही हो, मैं बिल्कुल इस संस्था से जुड़ना चाहूंगी और किसी भी रूप में जहां भी मैं कुछ कर सकूं हर प्रकार से मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इतने सारे बच्चों का, और मैंने प्रियंका को देखा, मुझे लगा कि मैं ही हूं। और जब वो मंच पर बैठी थी, एक तो जब वो कविता कह रही थी, उसके बाद जब वो मंच पर भी बैठी थी, मुझे लग रहा था कि जैसे कई बार मैं, वो बिल्कुल मुझे जी रही। इस तरह के कलाकार हर किसी को, जो अशोक जी को जानते हैं, अशोक चक्रधर जी को जो संचालन कर रहे हैं, और कुमार विश्वास, सब तरह के कवियों को, कवित्रियों को इस तरह से साक्षात हमारे सामने उपस्थित करना, बहुत बड़े दर्जे के कलाकार हैं, सबको बहुत बहुत आभार। और इस पूरे प्रयास को तुम ऐसे ही करती रहो, न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन ऐसे ही बच्चों के साथ खड़ा रहे और उनका भविष्य उज्जवल हो, इस संस्था का भविष्य उज्जवल हो। हम सब साथ हैं, तुम्हारे अनुभूति बहुत सराहनीय प्रयास, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, आपका प्यार आशीर्वाद सब हमको मिला, बच्चों को मिला। और प्रियंका के लिए सौभाग्य की बात है कि उसने आपके सामने आपके किरदार को निभाया। वो जब मैंने उसको बताया तो वो घबराई, लेकिन लड़खड़ाई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर खड़ी हो गई, तो इसलिए आज उसे प्रेरणा पुरस्कार भी मिला है। ये वही प्रियंका है, तो बारे में तो बहुत संवेदनशील हो गई थी, भावुक हो गई थी, मैं जानती हूँ कि ये वही प्रियंका है। तो बहुत सारा धन्यवाद, और मैं बिल्कुल आपके संपर्क में रहूंगी। और अब मैं चलती हूँ एक और जो मुझे दिख रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि वो, मतलब मैं जब देखा मैंने उनको, तो मैं समझ नहीं, मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं खुशी के मारे मेरा क्या हुआ कि अरे वाह मासा जी आ गए। तो तो बस इससे ज्यादा ना बोल, क्योंकि बोलते बोलते लोग रोने लगते हैं। आज तो हास्य दिवस है और मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं कितने सुकून से बैठा हूं और अशोक चक्रधर संचालन कर रहे हैं। मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मंच के कवियों को भी संभाल रहे हैं, ऑनलाइन बाहर जो फैले हुए हैं उनको भी संभाल रहे हैं, तो ये दायित्व तो मुझे पहली बार दिया गया रुंझुन के द्वारा और न्यू फ्यूजन के द्वारा। तो मैं तुम सबकी खूब सारी तारीफ करना चाहता हूँ, बहुत सारे, उतने सारे शब्द नहीं है मेरे पास, सारे कवियों को जुटा के उनको उनकी शैली में प्रस्तुति सिखा के जो काम किया है और जो कुल मिलाकर पुरस्कार की योजना बनाई है, तो सचमुच एक बहुत अच्छी शुरुआत की है रुंझुन और परिवार के पूरे सदस्यों ने। मुकेश जी ने बहुत ढंग से काका जी के बारे में बताया, काका जी के साथ मेरा भी बहुत सारा समय बीता है। सन 66 में जब उनका जन्मदिन मनाया गया था 60वां, तब मैं वहां 8वां कवि था और बड़े ठाट से बैठा हुआ था डॉक्टर हरविंश राय बच्चन के सामने, किशोर कवि, और बड़े आत्मविश्वास के साथ मैंने कविता सुनाई थी। अब इस बार लगा कि 18 सितंबर आ रही है और मेरी काया जो है ना इस योग्य नहीं है कि मैं बोल पाऊं, लेकिन भला हो हमारे हर्ष, हमारे यश गुलाटी जी का, डॉक्टर यश गुलाटी, उन्होंने हमारी वो कोलर बोन जिसके कारण पूरे शरीर में दर्द ही दर्द व्याप्त था वो जोड़ दी तो जिस दिन जुड़ी
अगले ही दिन ऑपरेशन कराने के बाद लगा कि मैं तो काम कर सकता हूँ, और मैंने अपने नाती मोह के लिए किताब बनाना शुरू कर दिया। लेकिन चीजें जो घटित हो रही होती हैं वही तो आपके पास, कवि के पास आती हैं। तो मैंने एक बच्चों वाली कविता लिखी, वो सुना देता हूँ कि नाना की टूटी कॉलर बोन, बोलो ठीक करेगा कौन। नाना की टूटी कॉलर बोन, बोलो ठीक करेगा कौन। यश नामक एक भालू है, उसका हाथ कमालू है उसकी अच्छी तकनीक, ठोक पीट के करता ठीक। नानू बोले नाना ना ठोक पीट करवाऊ ना, भालू को आया गुस्सा, उसने मारा एक घूंसा, हड्डी झटके से हट गई, सही जगह जाके सट गई। फिर आई कांतर इठलाती, क्या था कि इम्प्लांट था कांतर की शक्ल का, जो आती है ना इतने सारे सौ पैरों वाली, तो वो कांतर उन्होंने उस जोड़ के ऊपर बिठला दी। आई कांतर इठलाती, झट हड्डी पे बिठला दी, जोड़ को उसने जकड़ लिया, बिल्कुल हिलने नहीं दिया। अब हड्डी जुड़ जाएगी, हर पीड़ा उड़ जाएगी, अब नानू को प्रिय भालू लगता है प्यालू प्यालू। तो सारे बच्चे बड़े प्यालू प्यालू लग रहे थे मुझे, जिन्होंने भी इसमें सहभागिता करी है। बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज तो सुनने का मन है। एक जो नया फ्यूजन हुआ है संस्कृतियों का और एक वाचिक परंपरा के संरक्षण का, उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ जो भी इसके पीछे सक्रिय हैं। चित्रा देसाई दिख गई, रेखा बबल दिख गई, और बहुत सारे युवा कवि दिखे जिन्होंने, शैलेश लोढ़ा, कुमार विश्वास, अरुण जैमिनी, मधु मोहिनी उपाध्याय, और स्वयं चित्रा देसाई का भी काव्य पाठ किया उसी शैली में जैसे कि वो करती हैं। तो हमें गर्व होता है कि ये जो परंपरा प्रदान की प्रक्रिया है, ये कभी रुकेगी नहीं अगर प्रयत्न श्रद्धापूर्ण होंगे और उनके पीछे हमारी एक निश्चल चेतना होगी कि हमें अपनी वाचिक परंपरा को अक्षुण्ण रखना है। लिखित परंपरा तो रह जाती है और वाचिक स्मृतियों में रहती है, लेकिन वातावरण से बह जाती है। तो वाचिक को भी अब तो मीडिया संभाल के और संजो के रखता है। मैं चाहता हूं कि हमसे जो भी प्रयत्न बन पड़े, वर्कशॉप लगाओ अपने बच्चों के साथ। पहले भी मैं आया हूँ तुम्हारे बच्चों से मिलने और गीतिका के बच्चों से मिलने नाटक के समय, तो जो भी उपलब्ध हैं, जो जाने की तैयारी में, अभी मैं तैयारी कर रहा था, एक एक्सीडेंट में चला ही जाता, लेकिन सीट बेल्ट दी थी इसलिए यहीं रह गए, और तुमसे मिलना था इसलिए रह गए। बहरहाल अभी तक तो मैं कहता था कि वो बहुत ही साहब ऐसा एक्सीडेंट था, वैसा एक्सीडेंट था, एरोनॉटिक एक्सीडेंट था, हवा में गाड़ियां टकराई थी और बिल्कुल डेथ का डोर छूके आए थे और जीवन की डोर पकड़ना चाहते थे, और बड़ा ऐसा ट्रॉमा में जैसे होता है कोई आदमी ऐसा था। लेकिन अब इतना स्वस्थ होने के बाद मुझे लग रहा है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, एक्सपीरियंस एक्सीलेंट था। मैं ये नहीं चाहूंगा कि ऐसा एक्सपीरियंस हर किसी को मिले, मैं सौभाग्यशाली हूँ मुझे मिला, इसलिए मैं ईर्ष्यावश कह रहा हूँ कि किसी को न मिले, मैं ले चुका हूँ, और कोई क्यों ले। एक्सीलेंट था क्योंकि उसने बहुत तरह की चीजें हमें सिखाई। पहले लगा कि पुनर्जन्म हुआ हमारा, फिर लगा नहीं पुनर्जन्म क्यों होगा, जन्म तो वही है लेकिन पुनर्चिंतन का अवसर है। तो मैं यही चाहता हूँ कि पुनर्चिंतन किया जाए अपनी सारी प्रस्तुतियों के बारे में, और नए सिरे से सोचा जाए कि बच्चों से कैसे जुड़ा जाए और परंपरा प्रदान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, इच्छा शक्ति चाहिए, लगन चाहिए। चार लाइन सुन लो अंत में। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। अनुभव का लेना हो अनुभव का देना हो, जीवन में आपस का ये लेना देना हो, स्वार्थ कुछ अल्प हो पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ मधुमोहिनी के ढाई अक्षर की स्वार्थ कुछ अल्प हो पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ ढाई अक्षर की हल्की सी छुअन से तर जाए जिंदगी हमारी, तर जाए शिक्षा हमारी, तर जाए शैली हमारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। बढ़िया,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मौसा जी, आपका प्यार आशीर्वाद मिला आपकी। आप स्वस्थ हैं लेकिन थोड़े अस्वस्थ हैं, तो तब भी आप यहाँ आए, आपने ज्वाइन किया। नहीं है आप नहीं है तो मैं तो कभी भी नहीं रहती हूँ फिर, तो मैं जब मुझे ऐसा परिवार मिला है तो मेरा क्या ये जो मेरा बेड है ना ये अस्वस्थ है अभी मैंने बिठा दिया है मुझे, लेकिन मैं इसको स्वस्थ करके और स्वयं को स्वस्थ करके इससे निजात पाऊंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मौसा जी। अब मेरी बारी तब तक खत्म नहीं होती जब तक मैं उनका आशीर्वाद ना पालूं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होती। तो इसी के साथ अब मैं बुलाना चाह रही हूँ अपने मम्मा और पापा को, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी और डॉक्टर मीना अग्रवाल। आप दोनों बहुत बड़े साहित्यकार हैं, पापा की 300 से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं, मम्मी साथ में बहुत सारी मम्मी की मुक्तकों की कहानियों की पुस्तकें आई हैं, और जो भी हम हैं वो पापा मम्मी की ही देन है। पापा का हिंदी साहित्य निकेतन के नाम से पब्लिकेशन हाउस है, और पापा जब 17 वर्ष के थे तब उन्होंने वो हिंदी साहित्य निकेतन की शुरुआत की। और हम मैं तो पता नहीं क्या कर रही थी 17 वर्ष में, 11th में 12th थी में थी, लेकिन मतलब पापा ने किया तब भी ये समझ में नहीं आया कि मुझे करना चाहिए कुछ, लेकिन हाँ वो परंपरा को आगे बढ़ा रही है। उसने 16 वर्ष में अपनी पत्रिका चालू कर दी, तो कहीं ना कहीं जीन्स का प्रभाव है। और जब तक मम्मी पापा का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, तब तक कार्यक्रम अधूरा रहेगा, क्योंकि वो है तो मैं हूँ। तो पापा मम्मी दोनों एक साथ बोले एक लाइन मैं एक लाइन क्या बोल रहे सभी उपस्थित समुदाय को मेरा प्रणाम। बच्चों ने जितनी चेतना से और जितनी आस्था से, जितनी सक्रियता से और जितने भावपूर्ण तरीके से आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया वह अद्भुत है। लेकिन ये अद्भुत रूप तो मैं निरंतर देख रहा हूं जब से अनुभूति ने जयपुर में न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की स्थापना की थी एक छोटे से बेसमेंट में, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं जब जब भी इस संस्था के कार्यक्रम हुए हैं जहां जहां भी हुए मैं उसमें उपस्थित रह पाया। आज का ये स्वरूप, बच्चों की प्रस्तुति, उनका प्रशिक्षण, और उसके लिए तो क्या कहूं, आशीर्वाद ही सबसे बेहतर शब्द है। अनुभूति ने जिस निष्ठा से इस संस्था को आगे बढ़ाया है, कई बार अस्वस्थ रहती है, तो मुकेश जी ने जो बात कही थी वो मेरी कही थी और मैं उसको कई बार कहता भी था कि बेटा पहले स्वस्थ हो जाओ फिर जो कुछ करना है वो करो, लेकिन उसने हमेशा एक ही बात कही कि मैं तब स्वस्थ हूं जब मैं काम में लगी हूं। अब ये किसका प्रभाव है, किसके जीन से है, तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रारंभ से उसने मुझे संघर्ष करते हुए देखा। शायद वो संघर्ष उसके जहन में कहीं बैठ गए और उन्होंने उसे आगे आगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। काका जी के बारे में
तो हमारे मुकेश भैया ने बहुत सारी बातें कह दी और लोगों ने भी कहा, रेखा जी ने भी कहा, चित्रा जी ने भी कहा, वो अद्भुत चरित्र हमारे सामने था जिसने हमें संस्कार दिए, जिसने हमें सोचने की शक्ति दी, जिसने हमें नया चिंतन और विचार दिया। और ये सब कैसे किया? हास्य के माध्यम से, जिसको हम लोग अछूत समझते थे उसे उन्होंने विश्व के पटल पर लाकर रख दिया। ये एक अद्भुत संस्कार उन्होंने दिया है समाज को। अभी ये बात कही गई कि उनके स्वर्गवास के समय कोई रोएगा नहीं, लेकिन कुछ बात मैं बताना चाहता हूं। काका जी किसी गमी में नहीं जाते थे, यानी किसी के यहां यदि कोई ऐसा प्रसंग आ जाए जहां पर दुख हो, रोना हो, तो वो नहीं जाते। तो उनसे परिवार के लोग पूछते थे कि काका जी आप यदि किसी के यहां नहीं जा रहे हैं तो आप क्या कौन आएगा? तो कहते कि देखो बेटा, हम तो चले जाएंगे, हम तो होंगे नहीं, कोई आए ये ना आए। लेकिन अद्भुत था वो दृश्य, जब उनका स्वर्गवास हुआ तो दो दिन तक उनका पार्थिव शरीर दर्शनार्थ रखा गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस समय हाथरस जिला नहीं बना था, अलीगढ़ जिला था, और पूरा शहर और पूरा जिला और उसकी संस्थाएं काका जी के शोक में बंद थी। काका जी की जब शव यात्रा निकल रही थी तो मैं हाथरस के घंटाघर के ऊपर चढ़कर देख रहा था उसकी खिड़की से। अपार जनसमूह, मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर का वह यात्रा मार्ग रहा होगा, यात्रा मार्ग नहीं, यात्रा का समूह रहा होगा। दूर तक लोग और अलग अलग स्थलों पर उनका अलग अलग तरह से अभिनंदन किया जा रहा था। हलवाई की दुकान आई, उसने जलेबियों की माला पहना दी। महिलाएं छज्जों पर खड़ी हुई पुष्प वर्षा और मखानों की वर्षा कर रही थी। ये किसके साथ होता है? उसके साथ होता है जो हमारे हृदय में बस जाता है, जो हमारा अपना बन जाता है। और काका में ये गुण था कि वह सदैव अपनत्व बांटते थे, अपनापन बांटते थे, अपना बना लेते थे। और इसलिए वो सारा जनसमूह जो उस दिन उपस्थित था वो किसी के द्वारा बुलाया हुआ थोड़ी था। आज के जुलूस जहां पर लोग बुलाए जाते हैं, बसों से बुलाए जाते हैं, पैसा देकर बुलाए जाते हैं, लेकिन काका की शव यात्रा का वो जुलूस आत्म प्रेरित था। लोग मन से, भावना से वहां पर आए, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाकी तो आप सोच सकते हैं कि शमशान घाट के बाहर मेला लगा हुआ था, चाट पकौड़ी की दुकानें लगी हुई थी। क्यों? भीड़ के इस लंबे सफर में कई घंटे लगे थे यात्रा में, और
एक उनके आवास से लेकर उस मुक्ति धाम तक जो लंबा समय लगा था उसको भरने के लिए चाट वालों ने भी अपना ठेला लगा लिया। बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं उन लोगों ने कर रखी थी। ये अद्भुत दृश्य मुझे जब जब भी याद आता है तो मुझे लगता है कि काका जैसा सत्पुरुष इस संसार में आता है तो वह हम जैसे कितने ही व्यक्तियों का उद्धार करता है और प्रेरणा देता है, आशीर्वाद देता है, अपनापन लुटाता है और फिर अपना ही बनकर सदैव भले ही शरीर से ना हो जीवित रहता है। मैं आज उनके जन्मदिवस और स्मृति दिवस पर उनको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर मीना अग्रवाल, आप आशीर्वाद। तो मैं क्या कहूँ, सारी बातें सब लोग कह चुके हैं, लेकिन होता क्या है कि जब काका का जन्म दिवस 18 सितंबर आता है, जो उनका स्मृति दिवस भी है, तो मेरे मन में एक विचित्र सी हलचल होने लगी। काका की प्यार भरी गोद मुझे याद आने लगती है और उनके साथ बिताए क्षणों की स्मृतियां गुदगुदाने लगती हैं। काका के बारे में सबने बहुत बताया, लेकिन मैं एक बात बताऊंगी कि काका स्वयं नहीं पढ़ पाए थे, केवल 5वीं तक पढ़े थे, लेकिन हम भाई बहनों को उन्होंने पढ़ाने के लिए हमेशा आगे बढ़ाया और विशेष रूप से हम लड़कियों को, जो हम बहनें थी हैं, तो हमको पढ़ाने, भाग्यश्री है, भाग्यश्री चक्रधर मेरी बड़ी बहन थी, वो पुष्पा मित्तल और मैं, हम तीनों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। जबकि घर में मेरी दादी थी, हमारे पिताजी थे, वो पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, कहते थे कि 5वीं पास कर ली है, रामायण पढ़नी आ गई, पत्र पढ़ना आ गया, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है लड़कियों, क्योंकि लड़कियों को तो घर का काम करना है। लेकिन काका ने कहा, नहीं, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और हम पढ़े, आगे बढ़े। और जब हम पास होते थे और हमारी फर्स्ट डिवीजन आती थी तो हमें हमेशा पुरस्कार मिलता था, तुरंत ही 101 रुपए या 100 रुपए जो उनकी इच्छा होती थी तो वो देते थे। और हम आज भी वो रुपए मेरे पास रखे हैं जो मुझे हाई स्कूल पर 101 रुपए काका ने दिए थे जब मैं फर्स्ट आई थी। तो इस परंपरा को, काका की परंपरा को पुरस्कृत करने की बच्चों के, क्योंकि काका को पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, आगे बढ़ने वाले बच्चे अच्छे लगते थे, तो इस परंपरा को अनुभूति चला रही है, तो ये देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर आज का कार्यक्रम तो बच्चों ने इतना अच्छा किया है कि मैं क्या बताऊं, बहुत मेहनत की है बच्चों, तुम्हें मेरा हम सबका आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए तो मैं इतना कहूंगी, तुम ऐसे फूल हो जिनकी महक गायब नहीं होती, तुम्हारी ओस की बूंदों में सागर सांस लेता है, तुम्हारी आहटों से बोलने लगती है खामोशी, अगर तुम हाथ से छू लो तो पत्थर सांस लेता है। तो बच्चों, तुम में तो इतनी हिम्मत है कि तुम पत्थर में भी जान डाल सकते हो, तो इसी तरह आगे बढ़ो। जैसे काका कहते थे ना अनुभूति को कि ये मेरी उड़न खटोला है, तो अब तुम उड़न खटोला में बैठ गए हो और अब उड़ना सिखा रही है अनुभूति तुम्हें,
तुम उड़ते जाओ ऊंचाइयों पर पहुंचो, तो हमें भी बहुत गर्व होगा। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई सभी को। थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच पापा। और बस इसी के साथ हम आज का जज्बा 2021 यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं, और समाप्ति के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने जीवन साथी राहुल भटनागर जी को कि वो अपना कैमरा ऑन करें। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत देर बाद दिखाई दिए। मैं सबकी बातें सुन रहा था, समझ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया, सारी चीजें समझ रहा था। तो मेरा कहना यह है कि जैसे अशोक मौसा जी ने बोला कि रिसोर्सेज अगर ना भी हो बट इच्छा शक्ति अगर प्रबल है, मन में कुछ करने के लिए इच्छा है, तो कठिन से कठिन काम भी किया जा सकता है। परंतु मेरा मानना यह है कि इच्छा शक्ति को प्रबल होने के लिए भी किसी फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल होता है आप सब लोगों का आशीर्वाद, सारे बड़ों का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद, जो कि आज हमें भरपूर रूप से मिला यहाँ पे। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, खास तौर से मुकेश मामा जी का, रेखा बब्बल जी का, और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका, सबका, मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए कि आप लोगों ने यहाँ आके हम सबको आशीर्वाद दिया, हमारी उसी इच्छा शक्ति को एक फ्यूल की तरह आपका आशीर्वाद लगा, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, ये प्रण करते हैं कि हम और हिम्मत के साथ और ताकत के साथ इस काम में लगे रहेंगे, ताकि हमारे जो ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये खूब आगे बढ़ें, खूब दुनिया में अपना नाम रोशन करें, और अपने साथ हमारा भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी आए, आप सभी का प्यार आशीर्वाद मुझे मिला, मेरी पूरी टीम यहाँ पर, मेरी फैकल्टीज, जया मैम, निधि मैम जो यूएस में है वहां से जुड़ी है, जया मैम वो हैं, गीतिका दी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि जिन्होंने आज, मनोज भैया दिल्ली से जुड़े हैं, पल्लवी भाभी नोएडा से जुड़ी है, संकेत यूएसए से जुड़ा है, श्याम शर्मा सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुबोध सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और बहुत सारे और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, अंकुर जिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का आशीर्वाद प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, हम ऐसे ही हमारे बच्चों के कथक के गुरु श्री दीपक अरोड़ा जी और शुभ्रा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो बहुत बहुत सारा आप सभी को धन्यवाद, और हमारे सारे स्पॉन्सर्स का हमारे को आप बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया, और ये मनोबल और दुगना हो गया, और जज्बा 2022 और ताकत के साथ और मेहनत के साथ आपके सामने हम लेकर आएंगे। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि। उन्होंने भी बहुत अच्छा